बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद नूर और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के हुक्म से आप लोग भी सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो अक्सर बिज़ी रहता हूं बाहर और आप लोगों के साथ शौक वगैरह भी करते रहते हैं शेयर। तो आज मैंने सोचा कि चलें, अपनी पर्सनल कुछ रूटीन है घर में, आज मैं था तो वो भी रिलेटेड टू हमारे चैनल ही है, क्योंकि गली जागीर में गया था, उसकी वीडियोस काफ़ी सारे दोस्तों ने डिमांड भी की थी और वो एक दुम्बे की वीडियो मैंने जो अपलोड की है बड़ी अच्छी चल रही है, दोस्तों ने पसंद की। और पार्किंग में बाइक खड़ी की हुई थी, ये बाइक लेकर गए थे मैं और साथ भाई, तो भाई जी वो किसी भाई ने आके तो बाइक पीछे से मारी है खड़ी बाइक और तोड़ दी, लाइट शाइट उसकी लटक गई, तो हमने जुगाड़ किया तो उसको फ़िलहाल जुगाड़ू सिस्टम आप कह सकते हैं हमने लटकाई हुई थी। तो चलें साथ साथ गपशप भी करेंगे, इस बाइक को ठीक करते हैं फिर बाहर निकलेंगे, वो भी आपको बताऊंगा कि जी आज एक थोड़ा ज़रूरी काम है जो मेरे बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई थी उनसे रिलेटेड है, वो भी करेंगे। और एक दोस्त के पास भी जाना है, उसकी भी कोई थोड़ी सी एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। तो आप मेरे हुलिये पे जो सा ना वो फोकस ना कीजिएगा, क्योंकि रफ टफ हूँ अभी मैं सो के उठाऊँ। तो देखिएगा कि आज की रूटीन क्या है, क्योंकि अक्सर बाइक की रूटीन तो आप लोगों से शेयर करते ही रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलें पर्सनल रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जिन भाइयों चंद एक को इतराज़ है, मैंने कमेंट्स कुछ देखे थे वो भले ही ना देखें, बाकी जो है वो जितने प्यारे दोस्त भाई वगैरह हैं बहनें तो जो लाइक करते हैं वो देखें जी आज हमारे साथ और हमारी रूटीन देखें। चले आएँ पहले बाइक का सिस्टम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक के साथ हुआ क्या है। अच्छा जी, अच्छा ये है जी मेरी बाइक। अच्छा इस बाइक का मेरा एक्सपीरियंस जो है बड़ा बैड रहा है, क्योंकि अक्सर मैंने होंडा और सुजुकी के बाइक्स यूज़ किए हैं और उनकी क्वालिटी का तो क्या कहना है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने उनसे कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक था। ये मैंने यूनाइटेड की बाइक ली थी और ये देखें जी, ये किसी ने इसको खड़े मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, इसका इंडिकेटर तोड़ दिया, ये लाइट देखें, ये लाइट तो इसको खुद ही रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये यूनाइटेड का 100 cc बाइक है और किसी काम का नहीं है, तो अनकरीब इससे जान छुड़ाएंगे, कोई अच्छी बाइक लेंगे। तो इसका बैड एक्सपीरियंस था, चलें आए इसको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर लेके जाके इसको जो है वो रिपेयर करने की खुद ही कोशिश करते हैं। अच्छा जी ये देखें हम कामयाब हो गए, लाइट तो जुड़ गई, ये इंडिकेटर जो है इसका ये बुश कटा हुआ है, ये मैकेनिक ठीक करेगा, लाइट हमने जोड़ ली है और अब जो है। अच्छा जी कोई दो पार्सल्स मंगवाए थे दराज से, दराज का बंदा आ गया है, कॉल किया उसने, बाहर चलते हैं उससे पार्सल रिसीव करते हैं फिर बाहर चलेंगे, क्योंकि मुझे ज़रा ज़रूरी काम है, तो फिर आप लोग शेयर करते हैं कि क्या ज़रूरी काम था। अच्छा व्यूवर्स, वो जो ज़रूरी काम था वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता होता हूँ कि पिछली बड़ी ईद से एक महीना पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था और चैनल अच्छा ग्रो हुआ था बड़ी ईद तक, लेकिन ये है कि बड़ी ईद के बाद मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई थी और 2.5 महीने 3 महीने में काम ही नहीं कर सका, बस भाई थे बड़े, ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं सिचुएशन को। तो कब्रिस्तान अभी आया हूँ, कल मैंने कब्र पक्की कराई थी, तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कुछ, और वो एक ब्रूटल ट्रूथ कह सकते हैं उसको, तो उस बारे में बात करते हैं। अच्छा जी मैं ये दिखाना आपको ये चाह रहा था कि वैसे तो मैंने बड़े भाई का जिक्र अक्सर किया है कि उनकी डेथ हो गई थी बड़ी ईद के बाद, पिछली बकरा ईद के बाद, तो उनकी कब्र कल पक्की करवाई है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे दोस्त इतराज़ करेंगे कि यार आपने कब्र क्यों पक्की कराई है, जायज़ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ऐसा ही है, एक साल मैंने पक्की नहीं करवाई। लेकिन ये देखें ये खेत हैं सारे और ये खेतों की मिट्टी है, तो जब बारिश होती थी तो काफ़ी नुकसान होता था कब्र को और वो मिट्टी बह जाती थी और सुराख वगैरह भी हो जाते थे, मिट्टी बैठ जाती थी, कुछ बह जाती थी पानी में,
तो अपना पराया कोई आए तो उसको कब्र नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आप पक्की करवा लें, तो इसलिए मजबूरन बजाते इंसान हम बड़े कमज़ोर हैं तो इसलिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो ये देखें सामने, मैं किसी को की दिल आज़ारी तो नहीं करना चाहता, लेकिन देखें किसी की प्यारों की कब्रें हैं और यहाँ पर ये देखें जंगल बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये देखें अप्रोच ही नहीं है कब्र तक, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई नहीं आता। तो अपने प्यारों की कब्रों पर जाया करें और अल्लाह ताला की हमद व सना बयान किया करें, उनके लिए दुआ किया करें अपने प्यारों के लिए, ताकि अल्लाह की रहमतें उन पे। और आपको दिखाते हैं थोड़ी सी कब्र की आज जो है वो मरम्मत करानी है। तो ये हमने कल कब्र पक्की करवाई थी और अभी इसको पानी वगैरह दिया है, तराई की है, तो इसको जो है वो वाइट सीमेंट हम लगा रहे हैं ताकि थोड़ी सी और ठीक हो जाए, क्योंकि इसी तरह कच्ची जो है वो रेत फिर इसकी बह जाती है। तो वाइट सीमेंट लगा रहे हैं और बस यही सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये मैसेज देना था कि अपने प्यारों की कब्रों पर जाया करें और इस तरह लावारिस कब्रें ना छोड़ा करें। ठीक है, ये देखें क्या हालात हैं, ये पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कब्र भी है या नहीं है। तो वो सामने भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें क्या हालात हैं, कब्रें मिट गई, कुछ जंगल बने हुए हैं। प्यारों की कब्रों पर जाया करें और उनके लिए दुआ भी किया करें। अच्छा, तो व्यूअर्स व्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। मैंने आगे भी लेकर चलना था व्लॉग को, एक दोस्त के पास जाना था, लेकिन लेट हो जाएंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर काम मज़ीद है और अंधेरा हो गया। अभी नमाज़ पढूंगा और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करूँगा लाइट में ही। तो इजाज़त दें, लेकिन मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि प्यारों का जो ज़िंदा है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको भी याद भी किया करें, उनके लिए दुआ भी किया करें। और मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई अपने प्यारों की मगफरत के लिए भी दुआ किया करें। तो अपने प्यारों को इसी तरह लावारिस ना छोड़ें, ताकि उनकी जो निशानी है जहाँ पर जाके उनकी मगफरत के लिए आपने दुआएं करनी है वहाँ पर आप जा सकें। तो जो मैंने आपको सीन दिखाया उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यही मैसेज मैंने कन्वे करना था आज के व्लॉग में। मैंने सोचा था क्योंकि कल मैं आया था, कल व्लॉग तो मैंने नहीं बनाया, इसका कोई व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज मैंने दोबारा आना था सिर्फ ये मैसेज कन्वे करने के लिए मैंने जो है व्लॉग बना लिया। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।